अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका सरगोधा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को पर। तमाम एजुकेशन की अपडेट सरगोधा यूनिवर्सिटी की लेने के लिए सरगोधा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आपको सरगोधा यूनिवर्सिटी की तमाम एजुकेशन की अपडेट सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आपको पता है, रोल नंबर स्लिप इशू हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ऑब्जेक्शन आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्शन आ रहा है। पहले भी दो बार ऑब्जेक्शन उनका आ चुका है, अब फिर उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया। अब आप लोगों को ऑब्जेक्शन का कैसे पता चल रहा है? जब आप रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करती हैं, अगर आपका नो रिकॉर्ड आ रहा है फिर भी आप यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट करें। और मोस्ट स्टूडेंट की रोल नंबर स्लिप डाउनलोड हो रही है, लेकिन रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है कि आपका ये इशू है। ये देखें, ये मैं आप लोगों को एक स्टूडेंट की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। रोल नंबर इज अंडर ऑब्जेक्शन, यानी कि रोल नंबर स्लिप अंडर ऑब्जेक्शन है। रजिस्ट्रेशन कार्ड या फिर प्रीवियस रिजल्ट कार्ड नॉट अटैच्ड एट 25 अगस्त 2022। 25 अगस्त को इस स्टूडेंट ने ये सेंड करना था, अभी तक इसके ना तो रजिस्ट्रेशन कार्ड पहुंचा है और ना ही रिजल्ट कार्ड कोई भी चीज़ पहुंची है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्शन आ रहा है। अब आपने इसको हल कैसे करना है? दो तरीके हैं। पहले आपको मैं वो तरीका बता देता हूँ जो ज़्यादा वैलिड है, जिससे आपका ना तो टाइम वेस्ट होगा ना आपकी ज़्यादा परेशानी बनेगी। वो है जी, विजिट पर्सनली विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ये ले लें, कॉपी भी ले लें, जो भी आपका इशू है। अगर आपका कोई और इशू है फिर भी आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा आ जाएं, आपका उसी दिन काम हो जाएगा। अगर आप ये काम करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों का एक दिन का काम है। जाहिर बात है मोस्ट स्टूडेंट आउट ऑफ सिटी हैं, ठीक है, यानी कि सरगोधा से बिलोंग नहीं करते, लेकिन आप लोगों के फ़ायदे के लिए दूसरा मेथड है कि आप कॉल करके भी कर सकते हैं। प्लीज़ कॉन्टैक्ट टेबुलेशन ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एग्जामिनेशन। फ़ोन नंबर ये दिए गए हैं 9230856 या फिर 9230168। एक्सटेंशन आपने ये दो यूज़ करनी है, दोनों में से जो मर्जी यूज़ कर लो। पहले एक यूज़ कर लो, अगर वहाँ से फ़ोन नहीं पिक करते तो आप फिर दूसरी एक्सटेंशन यूज़ कर लो। 7414 है और 595 है, ये एक्सटेंशन है। आप लोगों को कॉल तो करनी आती होगी, तो आप लोगों ने जल्द से जल्द अपना ये इशू ठीक करवा लें। अगर आपका 20 अक्टूबर से यानी कि पेपर स्टार्ट होने से पहले तक ना ठीक हुआ, फिर आप लोगों के पेपर्स नहीं होंगे, आप लोगों का एडमिशन भी ख़त्म हो जाएगा, फीस भी ज़ाया चली जाएगी। अगर HEC ने MA MSc बैन कर दिया तो फिर आप हमेशा के लिए MA MSc जो नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर है, एक दिन मुश्किल होगा लेकिन आप लोगों का काम इंशाल्लाह उसी दिन हो जाएगा जब आप सरगोधा यूनिवर्सिटी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आ जाएंगे। आप लोग कंट्रोलर एग्जामिनेशन में आके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले आए, साथ उनकी कॉपीज भी ले आए। सारी एक कंप्लीट फाइल होती है स्टूडेंट्स की बनी हुई, आप वो पूरी अपनी फाइल अपने साथ ले आए और यहाँ पे आके आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आप कॉल पे करोगे, मोस्टली ऑफिस बिजी होते हैं जिसकी वजह से कॉल नहीं पिक हो पाती, तो बेहतर है कि आप लोग सरगोधा यूनिवर्सिटी विजिट कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों का इशू सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। बेहतर है कि आ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा पर्सनली आ जाए, अपने डॉक्यूमेंट लेकर साथ आएँ और अपना इशू सॉल्व करवा के रिलैक्स होकर पेपर्स की तैयारी करें। तो अगर आप नहीं आ सकते तो पहले आप एक बार फिर इस ऑफिस वाले जो नंबर्स हैं इनके ऊपर आप रब्ता करके एक बार डिटेल ले लें, आप पता कर लें। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों का ये जो इशू है ये सॉल्व हो जाएगा। अब आपको इसका सोल्यूशन भी बता दिया है, आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। सरगोधा यूनिवर्सिटी की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए सरगोधा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।